दोस्तों आज हम बनाएंगे एलईडी लाइट टेस्टर, जिससे हम हर प्रकार की एलईडी लाइट को टेस्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का हर कंपोनेंट हम चेक कर सकते हैं, इससे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं हर कंपोनेंट की, कहीं से कटा तो नहीं है। और इसके अलावा इससे हम सीरीज टेस्ट बोर्ड की जगह भी यूज कर पाएंगे। इसमें हमको लेना है एक 9 वाट का एलईडी बल्ब। ये एलईडी बल्ब है, इसका ऊपर का ये डिफ्यूज़र हटाया, 9 वाट का एलईडी बल्ब यूज किया हुआ है इसमें। एक ये बल्ब इसका निकाल लिया है, एक लाइट यहाँ से निकाल दी है। निकाल लेने के बाद इसको लगाया हमने बल्ब होल्डर में। इसको निकाल करके बिल्कुल अलग कर देना है। अभी पावर सप्लाई चालू कर दी है, चालू किया और इसको शॉर्ट करने पे ये जलना चाहिए, कुछ इस तरह से शॉर्ट किया तभी जला। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको यहाँ पे एक होल कर लेना है, यहाँ पे बड़ा साइज का होल कर लेना है। और होल करने के बाद आपको इस टाइप की एक प्रोब लेनी है, जो मल्टीमीटर में होती है, उस प्रोब को ले लेना है। प्रोब का ये आगे का एक सिरा है। और अब लेनी है एक डायोड, डायोड का जो नंबर है वो IN4007 डायोड है। डायोड के दो पॉइंट होते हैं, डायोड के एक साइड वाइट रहता है और एक साइड ब्लैक रहता है। अब इसमें वाइट साइड को इस वायर के साथ में सोल्डरिंग कर लेना है, यहाँ पे रखेंगे और इसको कर लेते हैं सोल्डरिंग। ये इस तरह से इसको शोल्डर से सोल्डरिंग कर लेना है, सोल्डरिंग आयरन से। आपने बल्ब में होल कर लिया होगा इस तरह से, ये बल्ब हीटसिंक में होल करना है। और ये होल यहाँ से और एक इस साइड भी करना होगा, जैसे कि हमने इसमें पहले से कर दिया है, ताकि हमारा टाइम बचे। अब ये इसको बाहर निकालना है, बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, आप ऐसे उठा लीजिए। उठा लेने के बाद ये वायर हमने सोल्डरिंग किया है, डायोड इसको अंदर ऐसे डालिए और हीटसिंक वाली होल से बाहर निकलेगा ये। आपको यहाँ से नहीं निकालना, इसको यहाँ से निकालना है, ताकि ये बंद हो सके। अब ये वाला आप इसको समझिए, यहाँ से एक एलईडी लाइट हमने निकाली है, एलईडी बल्ब। इसमें दो रहते हैं, एक रहता पतला और एक रहता मोटा। जिधर मोटा साइज है, मोटे है, उधर रहता है नेगेटिव माइनस, और पतला पॉइंट जो है वो रहता है पॉजिटिव। डायोड का काला सिरा यहाँ पे सोल्डरिंग कर दीजिए इसके साथ में, ऐसे रख करके पतले साइड में करना है, यानी कि जो बल्ब निकाला है उसका पॉजिटिव पॉइंट पे इसको सोल्डरिंग कर लेना है। थोड़ा सावधानी के साथ करना होगा, और कहीं अगर ये शॉर्ट वगैरह हो जाता है तब भी दिक्कत करेगा। ये यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी गई है, डायोड की ब्लैक साइड यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट पे। आपको ये ब्लैक वाली प्रोब भी लेनी है, इसको भी इसी होल के अंदर डाल लेना है, ऐसे होल के अंदर डाल लीजिए। डाल लेने के बाद हीट सिंक को ऊपर में उठाइए, उठा लिया। यहाँ से और फिर ये वाले होल के अंदर से
बार निकाल लीजिए ऐसे और इसको लगा दीजिए। अब इसका कोई काम नहीं है और इससे आपको करंट लगने का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। आपके अगर हाथ में छू भी जाता है तब भी आपको करंट नहीं लगेगा। और इसको आपको ब्लैक वाली प्रोब को आपको सोल्डरिंग करना है। इसको करना है आपको नेगेटिव पॉइंट पे जहाँ से लाइट निकाली है उसका नेगेटिव, यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर दीजिए। ये आपका काम हो गया है। इसको अच्छे से एडजस्ट यहाँ पे कर दीजिए खींच करके ताकि ये अंदर में फिक्स हो जाए। अब इसमें आप ऊपर में ये डिफ्यूज़र को निकाला था आपने, इसको लगा दीजिए। इसको लगाइए बल्ब होल्डर में ऐसे। ये आपका एलईडी लाइट टेस्टर बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आप टच करेंगे ये एलईडी ग्लो करेगी। अगर आपका हाथ टच भी होगा तब भी आपको करंट नहीं लगेगा, हल्का हल्का ग्लो करेगा लेकिन करंट नहीं लगेगा। अब आपके पास कोई भी एलईडी लाइट है इसको चेक करना है तब आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको चेक कर पाएंगे। जैसे कि ये हमने चेक करना है इसको, इसकी कौन सी एलईडी ख़राब है। ऐसे यहाँ से शुरू कीजिए, ये देखिए 1, 2, 3 पूरा भी कहीं भी चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट। और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल का कोई भी इक्विपमेंट को चेक करना है, जैसे अभी ये फुल सही है बिल्कुल, एक को भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक ख़राब हो जाएगा, एक को चेक करना, तो एक को भी सिंगल को भी आप चेक कर सकते हो, ख़राब होने का कोई ख़तरा नहीं है। अब कोई इलेक्ट्रिकल का सामान आपको चेक करना सीरीज में कि ये सही है ख़राब है। जैसे ये बल्ब है हमारे पास 100 वाट का, ये कटा है या सही है ये बल्ब, इसके दोनों पॉइंट पे एक पे इसको लगाए प्रोब को और दूसरी प्रोब को ये लगाए, ये जल गया है, मतलब सीरीज में ओके दिखा रहा है, सीरीज बल्ब अभी ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है बल्ब। ऐसे आप हर प्रकार का इससे इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट चेक कर सकते हैं और एलईडी बल्ब को आप इससे आसानी से चेक कर पाओगे बगैर करंट लगे हुए। और इस तरह से आप एक एलईडी टेस्टर बना सकते हैं जिससे आप एलईडी लाइट और इलेक्ट्रिकल का हर कंपोनेंट को चेक कर पाओगे सीरीज में भी।